और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप देखिए हमारी खास पेशकश सितंबर दगाबाज प्रलय का, क्या यह है आगाज जी। कहने को भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड पहाड़ों की प्राकृतिक आपदा है जो पहाड़ों पर पत्थर गिरने या फिर उनके खिसकने से होती है। आमतौर पर लैंडस्लाइड में पहाड़ों से पथरीली मिट्टी का अचानक से तेज बहाव आता है। ऐसा भारी बारिश, बाढ़ या फिर भूकंप की वजह से भी संभव है, हो सकता है। देश के बहुत से राज्यों में इस वक्त जब हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, इस मौसम में भूस्खलन हो रहा है, इसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक मौत की दस्तक देने वाली इस प्राकृतिक आपदा की रफ्तार इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है? क्या दगाबाज सितंबर प्रलय का आगाज अपने साथ लेकर आया है? इस बार यूं भी जबरदस्त बाढ़ बारिश की तस्वीरें देश भर से देखने को मिली हैं। ऐसी तस्वीरें जो डराती हैं, इंसानी जिंदगी पर बहुत भारी साबित होती है और ये दिखाती है कि प्रकृति के आगे इंसान कितना बेबस हो चला है। पहाड़ जिस तरीके से दरक रहे हैं, एक बार फिर ये डर कि कितनी इंसानी जिंदगियों पर यह भारी पड़ेगा हावी हो चला है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहाड़ों पर, ये उत्तराखंड की तस्वीर आपने देखी। पहाड़ों पर ये हालात क्यों हैं, आज इसकी एनालिसिस करती हमारी ये रिपोर्ट। का पानी पूरे उफान पर है और जिसके चलते आसपास का जो इलाका है और सबसे ज्यादा भारत में जाता जाता मानसून भी तबाही की तस्वीर दिखाने से बाज नहीं आ रहा। फिर चाहे पहाड़ हो या मैदान, हर तरफ मानो हाहाकार मचा। उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल रास्ते में हो रही बारिश के कारण हुए भूस्खलन से पैदल रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बीती रात केदारनाथ पैदल मार्ग के जंगल चट्टी के पास रास्ता 15 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण तीर्थयात्रियों को सुरक्षित तरीके से दूसरा रास्ता तैयार कर उस रास्ते को आर पार करवाया जा रहा, जबकि टूटी हुई सड़क को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ डीडीआरएफ के जवान दुरुस्त करने में जुटे। महाराष्ट्र के पुणे के साधन चौक इलाके का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में एक पूरा का पूरा ट्रक समा गया। जिसने भी इस वीडियो को देखा वो हैरान रह गया कि आखिर कैसे इतना बड़ा ट्रक इस गड्ढे में समा गया। फिलहाल पुणे फायर ब्रिगेड की टीम गड्ढे के अंदर से ट्रक को निकालने की कोशिश कर रही है। ये ट्रक पुणे नगर निगम का है। वहीं बिहार से गुजरने वाली गंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। अब लोगों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बन गया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे के अंदर गंगा का जलस्तर 25 सेंटीमीटर बढ़ गया है। गंगा नदी उफान पे है और इस वक्त देखिए हम सोनपुर में हैं, जो विश्व प्रसिद्ध हरिहर से मेला लगता है और वहाँ पे किस तरीके से गंगा और गंडक नदी का यहाँ पे संगम होता है और यहाँ पे किस तरीके से पानी जो है अब हरिहर क्षेत्र जो मंदिर है उसके परिसर तक पहुँच चुका है। और वो जो मेन मुख्य सड़क है, इस वक्त मुख्य सड़क पर है, जहाँ पर 4 से 5 फीट पानी ऊपर बह रहा है और यहाँ इतनी धारा तेज है कि आप इसमें खड़े भी नहीं हो सकते हैं। कि किस तरीके की यहाँ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि जो मुख्य सड़क है उस पर जो नदी की जो तेज़ धारा है वो यहाँ पे बह रही है। लोग बता रहे हैं कि 2016 के बाद ऐसी पानी यहाँ पे बढ़ा है। हालांकि बारिश यहाँ पे बिहार में उतना नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो आस पास के जिलों में जो बारिश, राज्यों में जो बारिश हो रही है, उसके चलते यहाँ गंगा नदी बिल्कुल तूफान पर है और इसका समझा है कि यहाँ पर इस पूरे इलाके में इससे पहले कब इतना पानी आया है। 21 में, हाँ 21 से भी ज्यादा पानी भर रहा है कि घट रहा है? पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ दिन से है, पानी 5-6 दिन से ही। हाँ, और आस पास जो सबलपुर दिया रहा है तो पूरा डूबा हुआ, सब पूरा डूबा हुआ है। बिहार में गंगा नदी उफान पर, सोनपुर, बक्सर, पटना और भागलपुर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हाईवे से गांव की तरफ जाने वाली सड़कों पर आवागमन ठप हो गया। इतना ही नहीं, बक्सर मोहनिया स्टेट हाईवे पर 1 फीट पानी चढ़ गया। ये सड़क बक्सर को बनारस से जोड़ती है।
गंगा में आए उफान के बाद सरयू ने इस बार छपरा जिले में जबरदस्त तबाही मचाई। एक तरफ जहां शहरी इलाकों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया, गांव टापू की शक्ल अख्तियार कर चुका है। लोग पानी से घिरे हुए। इलाके के ग्रामीण कहते हैं कि 2016 के 8 साल बाद बाढ़ इस इलाके में आई है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं। यहां घर पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कुल मिलाकर जाता हुआ मानसून भी अपनी मनमानी चला रहा और तबाही की ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जिन्हें देखकर डर लगता है। कहीं कहने को भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड पहाड़ों की प्राकृतिक आपदा है जो पहाड़ों पर पत्थर गिरने या उनके खिसकने से होती है। लैंडस्लाइड में पहाड़ों से पथरीली मिट्टी का अचानक बहाव आता है। ऐसा भारी बारिश, बाढ़ या फिर भूकंप की वजह से भी हो सकता है। देश के बहुत से राज्यों में भूस्खलन हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अचानक मौत की दस्तक देने वाली इस प्राकृतिक आपदा की रफ्तार इतनी क्यों बढ़ गई है? क्या दगाबाज सितंबर प्रलय ले आया है? इसके पीछे का कारण क्या है? अब ये देखिए। भाई साहब अलर्ट पर है उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़। क्या खत्म होने वाला है भारत में पहाड़ों का अस्तित्व? पर बरसती मौत का सच क्या है? पहाड़ों पर क्यों बज रहा है बार बार मौत का सायरन? उत्तराखंड और हिमाचल में मानव कुदरत तबाही का रिकॉर्ड बनाने पर आमादा है। तो पहाड़ लगातार दरक रहे हैं और इंसानी जिंदगी पर भारी साबित हो रहे हैं और लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कई जगह पर ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं जब लोगों की लापरवाही भी उनकी जान का कारण बनती है, और क्योंकि जो चेतावनियां जारी की जाती है उनको नज़रअंदाज कर लोग ऐसी जगहों का रुख करते हैं। ये देखिए, ये पिथौरागढ़ की तस्वीर, उत्तराखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 14 सितंबर की तस्वीर है। दिल दहला दे ऐसी तस्वीरें पहाड़ों से देखने को मिल रही हैं, जैसे सब कुछ अपने साथ प्रकृति बर्बाद कर देने पर आमादा हो। प्रकृति का रौद्र रूप जो इस बार उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के तमाम राज्यों में देखने को मिला, यहां तक कि दक्षिण तक में कहर मचाया इसी प्राकृतिक आपदा ने, कई लोगों की जिंदगी छीन ली। ये 3 सितंबर की चमोली की तस्वीरें हैं और यहां भी प्रकृति ने असामान्य हालात पैदा किए।